ओम शांति। सवेरे सवेरे मीठे बाबा की मधुर मुरली, ज्ञान रत्नों का खजाना लेने के लिए आप सब पहुंच जाते। कितना बाबा बच्चों को माला माल बना देते, भरपूर कर देते हैं। एक ही मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। एक डेढ़ घंटे में सब कुछ मिल जाता। तो ज्ञान सागर बाबा के, ज्ञान की लहरें, योग की गहराई, विशेष धारणाओं पर ध्यान और सेवा के लिए बहुत अच्छा उमंग उत्साह। तो चारों सब्जेक्ट बाबा की एक साकार मुरली में नोट करने का अभ्यास चाहिए। हम सबको शुरू शुरू में दीदी दादी ने यही सिखाया, क्योंकि भले मेरे लौकिक घर में मुरली चलती थी, लेकिन मैंने घर में कभी मुरली नहीं पढ़ी, सोया रहा। और मधुबन में जब आया तो एक डेढ़ साल के अंदर ही मुरली की सेवा मिल गई। कई शब्द ही समझ में नहीं आते थे, ये क्या है आखिर। लेकिन दीदी दादी के अंदर एक भावना, लगन थी कि इसको सब कुछ सिखाना है। तो बुलाती थी और एक एक शब्द बोल पूछती थी, क्या है, क्या बाबा बोला है, फिर बताती थी। और ऐसे ऐसे चारों सब्जेक्ट अलग करो, ऐसे नोट करो, इस पर ध्यान दो, ऐसे प्रश्न बनाना, ऐसे उत्तर लिखना है। तो जैसे एक स्टूडेंट लाइफ मेरी मधुबन से ही शुरू हुई, और उसके बाद मुरली सुनाने का भी वरदान एक दिन दादी ने अचानक क्लास के बीच में ही मुरली सुनाते हुए, सभी टीचर्स बैठी हैं और मुझे ढूंढ रही है कहाँ बैठा है, कहती इधर आओ, मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरी है, मैं जा रही हूँ, तो मुरली सुनाओ। ओम शांति भवन की स्टेज पर अपनी सीट पर मुझे बिठा दिया और कुछ चली गई उठ करके। उसके बाद जहाँ पर भी मैं देश विदेश में गया, सब जगह मुरली वाला राजू भाई आया है, मेरे हाथ में मुरली दे देते, सुनाओ। एक जगह मैं फंसा था, पूरा क्लास इंग्लिश, न हिंदी बोलने वाला, न हिंदी समझने वाला, ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे कहता है आपको इंग्लिश में ही मुरली सुनानी है। मैंने कहा बाबा मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ना नहीं करना। तो थोड़ा एकांत में जा करके हिंदी इंग्लिश मुरली ले ले करके, पढ़ करके, तैयार हो करके गया, मुरली सुना दी। और जब मुरली सुना दी तो ये विदेशी लोग तो क्या करते हैं, ईमेल फटाफट भेज देते सब जगह। उन्होंने लिखा कि राजू भाई कहता मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सबसे अच्छी इंग्लिश मुरली इन्होंने सुनाई। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ इंग्लिश मुरली हाथ में। ये क्या है, मेरे को नहीं आती है, शायद बाबा मुझे भी सिखाना चाहता है, इंग्लिश सुनाना भी। तो ऐसे मैंने देखा ये बाबा की जो मुरली है, बहुत सारे राज हैं, बहुत स्पष्ट हैं, समझने वाला समझ सकता है बाबा किस भाव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि पूरे विश्व की आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ चलेंगे सभी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं सभी। पढ़ेगा कौन? तो बाबा ने कहा मैं ले तो सबको साथ में जाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा सबको नहीं, पढ़ाऊंगा उनको ही जिनको मुझे चक्रवर्ती राजा बनाना है। तो आप सभी चक्रवर्ती राजा बनने वाले हैं, चक्रवर्ती राजा माना पूरे विश्व का, ग्लोब का पूरा राज्य एक के हाथ में हो,
तो इसलिए आज की मुरली में विशेष ज्ञान की बातें भी हैं और अंडरलाइन बाबा ने पढ़ाई पर किया है, साथ साथ अपनी स्थिति, स्तुति, निंदा, मान अपमान सब में समान रखनी है। बहुत प्यार से, मीठे शब्दों से सम्मानजनक बोल बोलने हैं और सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना, सत्य अपने आप में सिद्ध होता है। ईश्वरीय कुल की स्मृति से सदा समृद्धि आती है। तो समय की सीमा है, इसलिए मैं मुरली सुनाता हूँ, आपको ध्यान से सुनेंगे तो बाबा की मुरली से चारों सब्जेक्ट स्पष्ट हो जाएंगे। आज है 30 अक्टूबर 2021। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। पढ़ेंगी नहीं लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? बोलो, पढ़ाई का। उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा, कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते। पहले तोड़ देना फिर निभाना, ध्यान रखना। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे। देखो, चारों सब्जेक्ट एक ही उत्तर, एक ही प्रश्न में है। और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम, सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। तो चक्रवर्ती बनने के लिए चारों सब्जेक्ट पर ध्यान देना, पढ़ाई, याद, धारणा और फिर सेवा। ओम शांति। बाप को, सभी रूहानी बच्चों को, साथ साथ जो भी सृष्टि मंच पर, सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं, उन सभी जीवात्माओं को वापस ले जाना ही है, सबको वापस ले जाना है, क्योंकि अभी अंधियारी रात पूरी हो रही है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है ही, परंतु पुरानी से नई होती है। दुनिया ख़त्म नहीं होती, नई से पुरानी हो गई है, फिर पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। सुनो पूरा बाबा, सुदर्शन चक्र फिर आएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं कहाँ चली गई? 84 जन्म लेते लेते अभी 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय वे सभी पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं, चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज़ चाहिए, माँ बाप से बच्चे नई नई चीज़ डिमांड करते हैं, तो ऐसे ही आत्माएं कहती हैं हमको राम राज्य चाहिए, नई दिल्ली चाहिए। ये भी कहते हैं बाबा, नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। नए वस्त्र कौन से?
नया शरीर चाहिए। जैसे दीपावली पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं ना, कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती। खास दीप माला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीददारी आदि बहुत करते हैं। खूब दुकानें खुली हुई है ना, सजी हुई है, तो बाबा को दीपावली याद आ रही। कितनी खरीददारी करते हैं, कितनी मार्केट में भीड़ होती है। दीप माला पर ज्योति जगाते हैं, तुम्हारी अब ज्योति जगी है, तुम्हें फिर औरों की भी जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं, तुम्हारी अब पूरी ज्योत जग जाएगी। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी, फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाप कहते हैं, मैं सबको साथ ले जाऊंगा, कोई चाहे या न चाहे। वायदा है बाबा का, कोई चाहे या न चाहे, मैं सबको साथ ले जाऊंगा। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। वो फिर कहते हैं, लिबरेटर आओ, लिबरेट करने के लिए आओ। कोई किसी भाषा में कहते हैं, कोई किस भाषा में कहते हैं। मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, अभी तो कितने ढेर पाठधारी हैं, कितने ढेर पाठधारी हैं। ये हैं सब जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है, ऐसे नहीं जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ। जीव की भाषा ये नहीं हो सकती। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ, लेकिन जीव माना शरीर कभी नहीं कहेगा कि मैं एक आत्मा छोड़कर दूसरा लेती हूँ। नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं, सबका अपना अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वो जरूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती, अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम एक जन्म भी होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। कोई कहे मुझे सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, संभव नहीं है, एक बार तो उसको चक्र में आना ही पड़ेगा। ये बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ, सबको साथ ले जाने के लिए मैं बांधा हुआ हूँ। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे, तो पुरानी दुनिया ख़त्म होगी। मनुष्य को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, शास्त्र पढ़े हों, लेकिन ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान रिंचक मात्र, जरा भी अंश मात्र भी उनके पास नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग है, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। ये तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। आधा कल्प भक्ति मार्ग है और आधा कल्प ज्ञान मार्ग है। ज्ञान तो संगम पर मिलता है, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है। तो संगम पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, और जब प्रारब्ध पूरी होती है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। गाया भी जाता है ज्ञान है दिन
और भक्ति है रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं, बाप कहते हैं, ठिक्कर बित्तर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई को हनुमान का साक्षात्कार हो गया, कोई को गणेश का साक्षात्कार हो गया। अब वो सब भगवान तो नहीं है, मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं, माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। बाबा को ये शब्द बड़ा प्यारा लगता था, बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं, रघुपति राघव राजा राम, वो राम नहीं। उनके लिए तो शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। और बाबा क्या कहता है, दुआ दे रहा है सवेरे सवेरे। बच्चे अभी तो बहुत ढेर मरने वाले हैं, अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। कल कोई ने मेरे से प्रश्न पूछा, बंगाल में ये हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं उसके लिए कैसे योग करूं। हमने कहा सद्भावना रखो। और बाबा कहता है तो सब होने वाला है, तो सबको जाना है, मरना है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अरे अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे। बाप को बुलाया ही है इसलिए कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा। शरीर जाएगा क्या? अब जब शरीर नहीं जाएगा तो शरीर छोड़ना तो पड़ेगा, यही छोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए इसको मरना नहीं को, शरीर छूटेगा, आत्मा जाएगी। तो बाबा कहता है मैं शरीर को तो नहीं ले जाऊंगा, वहाँ तो आत्माएं ही जाएंगी, ये तो पुराना छीछी शरीर है, भंभोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बांस बना रहे हैं। अब वो कहते हैं बांस न बनाओ। आपस में जब मीटिंग करते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, तो भाई तुम बांस बंद करो, न बनाओ। बाबा क्या कहता है, रुकेगा, बहुत अच्छी बात कही है। अब इतनी भी समझ नहीं है कि जिनके पास जास्ती बांस होंगे वो जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बांस न बनाएं तो। ये रीस चलती है, रेस होती है, अगर इसके पास इतने एटम बॉम्ब्स हैं तो मेरे पास भी होने चाहिए, इसके पास इतने मिसाइल्स हैं तो मेरे पास भी, क्योंकि एक दूसरे से शक्तिशाली बनना चाहते हैं। अगर बॉम्ब्स न बनाएं तो अपने को बचा कैसे सकेंगे। अब वो जब सब समुद्र में डालें तब वो भी बनाना बंद करें, पहले जिसने बनाया है वो समुद्र में डाल दें। परंतु अगर वो समुद्र में भी डालेगा तो उससे पानी बादल बनेगा, पानी खींचेंगे और बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, उसमें भी बचेंगे नहीं कोई। मान लो समुद्र में भी डाल दिया जाए, एक निर्णय ले ले सभी कि अभी हम नहीं बनाएंगे, हम सब समुद्र में डाल देते हैं, तो अभी दुनिया बच जाएगी क्या। उसे पानी ऊपर जाएगा बादलों में और वही जहरीला पानी बरसेगा, फिर क्या होगा। बाबा उसके रिजल्ट भी बताते हैं, वो बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि सब जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है, पहले बांस नहीं थे अभी निकले हैं, इसलिए सारी धमधम मच रही है। अब ये तुम बच्चे जानते हो, ये सब ड्रामा की भावी है।
ये ड्रामा की भावी है, कोई चाहे या न चाहे वो बनाएगा ही। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय ही नहीं है, अगर होता तो उसकी क्या निशानी होती थी? विनाश होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है, जाना है तो क्या करते हैं? बाबा ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर ये निश्चय होता तो योग में बहुत अच्छी तरह से रहते, योग में बहुत अच्छी तरह से रहते। क्यों? क्योंकि योग बल से ही विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा ये सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आँखों से तो देखने में ही नहीं आता है। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, अहम आत्मा अविनाशी हैं, ये है अति गुहे बात। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है और वो पार्ट अपना हूबहू बजा रही है, ये है बहुत गुहे बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, ये कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई कहते हैं वो आत्मा तो बुदबुदा है, सागर में जाके समा जाएगी। कोई कहते हैं ब्रह्म तत्व तो बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो, बच्चों को बाबा ने बताया है, क्या जानते हो, क्या जान गए? तुम जानते हो आत्मा बिंदी मिसल है, बहुत छोटा स्टार है और उसमें पार्ट बजाने की नूंद है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पार्ट बजाना है जो कल पहले बजाया था। फर्क नहीं पड़ सकता, फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जिनके कलप पहले बैठी होंगी। समझ गए? ये बातें किनकी बुद्धि में बैठेंगी? बाबा को इतना निश्चय है कि जिनकी बुद्धि में कलप पहले बैठी होंगी उनको ही बैठेंगी, समझ में आएंगी। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। बाबा के सामने तो अगर ये माइक रख दो, अरे बच्चे क्या रखा है, इसको हटाओ, पढ़ाई कोई माइक पर होती है क्या? मैं बोलूंगा, इनसे कोई प्रश्न पूछूंगा, उत्तर कैसे देंगे? तो बाबा ने कभी अपने सामने माइक नहीं रखा था। अब जब बच्चों को रिकॉर्डिंग की आई मशीन, टेप मशीन आई, मैं रिकॉर्ड करूँ मुरली, तो बाबा के बाजू में ऐसे साइड में माइक छोटा सा रख देते थे, सामने नहीं रखने दिया बाबा ने। तो बाबा वही कह रहे हैं बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको ये पैगाम मिलेगा, पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन पैगाम सबको मिलेगा। बाप यह मंत्र सबके लिए देते हैं, मन मना भव मामे कम शरणम ब्रज, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये मंत्र सबके लिए है। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है। देह अभिमान को छोड़ दो, सब अवगुण खत्म हो जाएंगे। देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी बच्चे छोड़ते नहीं हैं। बाबा को लगता है मैं इतना कहता हूँ फिर भी देह अभिमान छोड़ते नहीं हैं। अगर नहीं छोड़ते हैं तो बाबा को आता है कि इन विचारों को क्या मिलेगा। मैं इतना कह रहा हूँ फिर भी नहीं छोड़ते हो, तो बाबा क्या कहेगा, इन विचारों को क्या मिलेगा। एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं, देह मान होगा तो कैसे प्यार से चलेगा।
एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है, बहुत मीठा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, सुनो अंडरलाइन आज की बात, सामने आपके कोई भी कितना भी गुस्सा करे, क्या करेंगी माताएं, क्या करेंगी, चुप रहेंगे। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, कोई कितना भी गुस्सा करे तुम्हें स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना है, सब कुछ सहन करना है। देखो कोई दिवाला मार देते हैं, घाटा पड़ जाता है, दिवाला मारते हैं तो समझते हैं बाबा ये अब सहायता करें। कोई कोई बच्चे अचानक की बिजनेस में बहुत करोड़ों रुपया लेकर के बिजनेस करते हैं और एकदम घाटा हो जाता है, दिवाला मार देते हैं, कुटकी हो जाती है, तो बाबा से कहते बाबा कुछ मदद करो, कुछ सहायता करो। अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, सो तो तुमको सहन करना पड़ेगा। बाप इसमें क्या करेगा, बाबा इसमें कुछ नहीं करेगा। बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने, मेरा धंधा यही है। बाकी तुम्हारा बिजनेस में कुछ भी हो गया, नौकरी में, शरीर में, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हारा कर्म हो गया। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि ये सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसको पता भी नहीं है। जब तुम बच्चे देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। भारत के अंदर भक्ति मार्ग है, हर एक के परिवार में मंदिर में जाने की एक रस्म है। ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी के माँ बाप मंदिर आदि में न जाते हों। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह हर घर में जरूर होते हैं। हे भगवान कहना, हे भगवान कहना, ये भी तो भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, ये बाप ये दादा दो हैं एक साथ, कौन बाप कौन दादा। शिव बाबा बाप, ब्रह्मा बाबा दादा। दादा इसलिए बड़ा भाई है, इसलिए डाडा नहीं है, यानी माने ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं, बाप और दादा। ये बाप ये दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना बड़ा अच्छा है। कोई कोई कहेंगे आपको इस दादा को यहाँ क्यों बिठाया है, ये तो दादा है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वो बदलते रहते हैं। ये जो मुख्य है वो सदैव कायम है, और सब बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो मुख्य है ब्रह्मा बाबा ये सदा कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है, समझाने का तरीका जो होना चाहिए, कोई ऐसे कहे कट करे तो ऐसे जोश में आकर के कहो नहीं यही बाबा है, बहुत मीठा बनना चाहिए। चलन बड़ी रायल होनी चाहिए, बात बहुत कम करनी चाहिए, ये समझाने का तरीका। चलन रायल होनी चाहिए, कोई डिबेट कर रहा है उसे डिबेट नहीं करना, बात बहुत कम करनी चाहिए। तुम्हें पहले पहले उन्हें बाप का ही परिचय देना है। जास्ती तिक तिक करना फालतू है, बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं, तिक तिक नहीं करो, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है,
बाबा को पता है, बहुत बोला है तुमने भक्ति माँ, अभी नहीं बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रणियाँ मारी है, कितने धक्के खाए हैं, अब तुमको सिंपल रूप में समझाते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चल ये पता पड़ेगा नंबर वार कौन कौन क्या बनते हैं, प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे, वो तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे, जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। ये वही महाभारत लड़ाई है, सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी, इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर ख़त्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है, ये भी ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, ड्रामा में नूंद है। फैमन पड़ेगा, काल पड़ेगा, अनेक मनुष्य भूखों मरेंगे, ये सब होने वाला है। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ा कर मैं वापस ले जाऊंगा। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, मैं इन सबको छुड़ा कर अपने साथ वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है, ये सब आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुमको मिलना है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। श्री कृष्ण के मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, उसकी माँ दिखती थी, ऐसे मुँह कहती खोलो, मिट्टी खा लेता था ना कभी कभी, तो माँ कहती थी खोल मुँह में क्या है, तो मुँह खोलता था तो उसमें विश्व का ब्रह्मांड का गोला दिखता था। तो बाबा कहता है मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे, मुख में ये विश्व का गोला आ जाता है, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं, अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे हाथ में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का, रिजल्ट बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का, भल बदली हो जाती है, कईयों की ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर वहाँ जा कर के दूसरे स्थान पर जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है भले बदली हो जाती है परंतु बाप कहते हैं तुम कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर, पवित्र रहो और खान पान शुद्ध रखो, तीन बातें हो गई, खान पान शुद्ध रखो, पवित्र रहो और पढ़ो जरूर, भले यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो जाओ, सबसे तोड़ भी निभाना है, ये दुनिया दुख देने वाली है, मुख्य है काम कटारी चलाना, वो भी मुश्किल छोड़ते हैं, कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, गुस्सा करते हैं ट्रेटर बन जाते हैं, ग्लानी कराने लगते हैं, फिर क्या होता है फिर बेचारी अबलाओं के ऊपर कितने विघ्न आते हैं, बंधन आ जाते हैं। यार समाजी तो बहुत अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है, उन्होंने बहुत विरोध किया हमारा शुरू शुरू में स्थापना के अंदर, आए अभी हैं पिछाड़ी की टाली है, देवताओं को मानते ही नहीं हैं, मानने वाले भी नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है, जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है, अभी अर्थ तो तुम समझते हो, तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। यह है सारी योग बल की बात, तुम बाप को याद करते हो उससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, फिर तुम शांति और सुख में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है।
ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, नई दुनिया की स्थापना की जो रीति है, बाबा कहता है बड़ी वंडरफुल है, इसको कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा ही विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है, तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सन्मुख रहकर अगर निंदा कराई तो ठौर नहीं पाएंगे। कोई भी पाप कर्म करना ये भी निंदा हुई, कोई भी पाप कर्म करना ये भी निंदा है, किसके? सतगुरु की, जिसने इतना सिखाया उसके बच्चे बन करके कोई पाप कर्म करना तो ये भी निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, ना पास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद आनर बन जाएंगे। वो हैं हद की बातें और ये हैं बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में किसको मालूम नहीं है। माया भी सत्तो रजो तमो होती है, अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं, कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। ये भी ड्रामा में होता है, बेचारे लगा रहे हैं एक दूसरे को, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, अपने कुल का नाश कर रहे हैं, अपने कुल को मार रहे हैं। बाबा कहते हैं भी ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार ही होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और तुम पांडवों का प्लान, क्या क्या करत भय, क्या कर रहे हो पांडव। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला बाप है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो मोस्ट बिलवर्ड बाप से मोस्ट बिलवर्ड वर्षा ले रहे हो। बाप बगैर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वो कह देते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा हैं, फिर ये कहना आएगा कैसे, जब सब परमात्मा है तो कौन किसको ले जाएगा, तो ये आप कहे कैसे सकेंगे। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। सब जान गए ना, कितना समझ दिए बाबा ने, एक एक बच्चे को नॉलेज फुल बना दिया कि सृष्टि चक्र के अंदर जितनी भी आत्माएं खेल खेल रही हैं, इतने सब पाठधारी हैं, ये सब के जाने का अब समय आ गया है। ये सब बच्चे मेरे जानते हैं, और उसके लिए जिनको फिर से सतयुग के अंदर आना है उनको पढ़ाई पर ध्यान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योति से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। ठीक है, सच्ची दीपावली मनाना, झूठी नहीं। मिट्टी के दीपक कब तक जलाएंगे, एक दो घंटा जलेंगे, आज तो भी सिस्टम ख़त्म हो गई, लड़ियाँ लगा देते हैं, और अगर कोई बहुत मनाता है तो मोमबत्ती जला देते हैं, लेकिन वो सच्चे दिए, सच्चे घी के दिए जलते थे, अभी कहीं कहीं जलाते हैं कोई कोई थोड़ा एक दो। बाबा कहता है तुम सच्ची दीपावली मनाओ, सबकी ज्योति जो बुझी हुई है उसको जगा दो। दूसरा, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है।
चलन बड़ी रायल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। ये तो पक्का कर लेंगे ना आज, आज का दिन ये पाठ पक्का कर लेना। कुछ भी कोई बोले मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, जवाब नहीं देना, चुप रहना है, बहुत कम शब्दों में जवाब देना है और बहुत प्यार से रिगार्ड से बात करनी है। वरदान है ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थ बनो, समर्थी स्वरूप बनो। स्मृति आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है, इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हों। जब तक ये ब्राह्मण जन्म है तब तक मैं हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कार्य जो कुछ कर रहा हूँ वो केवल ईश्वरीय सेवा के लिए है, दूसरी सेवा नहीं करनी अभी, केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हूँ। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। लौकिक कलौकिक कोई भी कार्य करो सदा ये स्मृति रहे कि मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ, बाबा की श्रीमत अनुसार ही कर रहा हूँ। स्लोगन है सत्य समय पर स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय पर स्वतः सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति, ओम शांति। सुनिए बाबा की कितनी प्यार की मुरली है, एक एक बात कितनी स्पष्ट बाबा समझाते हैं। ज्ञान के सागर की लहरें हैं, चलें पूरा करें, टाइम हुआ।